हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग बाय प्रवीण माने। इसमें मैं हर प्रकार के ऑडियो वीडियो लेक्चर्स बनाता हूँ। आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसी सब्जेक्ट में मैं उसी टॉपिक पे मैं वीडियो लेक्चर बना लेता हूँ और अपलोड कर लेता हूँ। ये आपके लिए यूजफुल है तो आप देख सकते हो। सो आज मैंने ये चूज़ किया है। अभी मैंने कमिंग सुन जैसे वीडियो अपलोड किए थे, उसमें कि मैंने क्या किया था, एक सब्जेक्ट की पूरी जानकारी दे दी थी। मतलब उसको मैं अभी डिवाइड करने वाला हूँ, 8, 9, 10 लेक्चर में डिवाइड करने वाला हूँ और वह मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि मैंने जो वीडियोज़ कमिंग सुन के अपलोड किए थे उसके हिसाब से जो रिस्पॉन्स आया और जो मुझे रिक्वेस्ट आए कि आप सर आप पहले ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बना दो, तो मैं उसके बारे में पहले बनाऊंगा। उसके बाद मैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दे दूंगा। तो सर, इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मैं पहले ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, दिस इज द लेक्चर वन। आज मैं लेक्चर वन बताने वाला हूँ, हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। मैंने पहले जो मटेरियल दिया है वो सब अंग्रेजी इंग्लिश में दिया है। जो भी मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया है वो सब इंग्लिश में दिया है। तो अभी मैं ये हिंदी लैंग्वेज ऑडियो की इसलिए चूज कर रहा हूँ, जो समझना चाहते हो क्लियरली वो इससे समझ जाए हिंदी में। तो सबसे अच्छा, बहुत से लड़के ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि हिंदी में बनाओ। मुझे बहुत से रिक्वेस्ट आई कि सर आप हिंदी में आपके वीडियो बनाओ। अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी इसका वर्जन बनाने वाला हूँ, पर लेकिन उसके लिए थोड़ा देर लगे क्योंकि पहले मैं हिंदी में बनाऊंगा और उसके बाद इंग्लिश में बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं चैनल, और मेरा मानना है कि आप देख लीजिए। तो उसमें मैं लेक्चर वन हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पे रहेगा, दूसरा लेक्चर हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पे रहेगा, तीसरा साइड डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पे रहेगा, चौथा लेक्चर वर्टिकल अलाइनमेंट पे रहेगा, फिफ्थ लेक्चर इंट्रोडक्शन टू पेमेंट रहेगा, और सिक्स लेक्चर डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट रहेगा, और सेवन्थ लेक्चर ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे रहेगा। उसके बाद लेक्चर 8, लेक्चर 9 वो रहेंगे, लेकिन वो उसके ऊपर एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पे रहेंगे और अदर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट उसके ऊपर रहेंगे, और रेलवे इंजीनियरिंग पे भी एक लेक्चर बना लूँगा। तो वो ऐसे करके ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग टोटल हो जाएगा। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। मेरे तो मानने का आप जरूर शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आपका इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको खड़े खड़े आपके मोबाइल हर अभी इस अभी तो फिलहाल सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में इंटरनेट रहता है, ये तो फ्रीली अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। मैंने इसके जरिए मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ, तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब इसमें दिया हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको ऑनलाइन लेक्चर भी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ऑनलाइन लेक्चर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपके लिए, तो आप ये इसे ले लीजिए। ये अपॉर्चुनिटी आप उसे चूज़ कर लीजिए और आप ये और आपका नॉलेज बढ़ाइए, एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। तो ये नॉलेज अभी मैं यहाँ पे एक बता रहा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कहीं भी हम लोग बोलते हैं कि मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की स्टडी करूँगा, तो उसके लिए हम रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक चाहे कोई भी हो हम यूज़ करते हैं। सीजी जस्टो खन्ना का हाईवे इंजीनियरिंग का बुक यूज़ करते हैं, तो वही बुक मैंने यहाँ पे रेफर किया है और ये नोट्स बनाए हैं और ये प्रेजेंटेशन बनाया है। तो आपके लिए मैं अभी ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के एक लेक्चर दे रहा हूँ। तो आगे हम नाउ हम हमारे प्रेजेंटेशन में बढ़ेंगे और अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच फ्रूटफुल वीडियोज। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, डायरेक्टली विल गो फॉर द लेक्चर वन, दैट इज द हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो पहले ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है ये तो जस्ट बुक में डेफिनेशन दी हुई है, वही है डेफिनेशन। पहले मैं इसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग
है, तो ये इसमें पहले क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स, पहले ट्रांसपोर्टेशन क्या, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स इट्स अ मूवमेंट ऑफ वन पर्सन और गुड टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग क्या होता है, इंजीनियरिंग मतलब क्या, स्टडी होता है ट्रांसपोर्टेशन का, स्टडी। तो हम लोग मूवमेंट कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, उसके मोड्स क्या रहेंगे, उसमें फैसिलिटीज क्या क्या रहेंगी, उसमें फंक्शंस क्या लगेंगे, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, ये सब जिसमें रहता है उसको इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ये सब जिसमें रहेगा, इसका स्टडी जिसमें रहेगा, उसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कहते हैं। जो कि सेफ जर्नी हो, हमें कंफर्ट के साथ हमें सर्विसेज मिलनी चाहिए, हमें कंफर्ट जोन मिलना चाहिए, कंफर्ट मिलना चाहिए, इफिशिएंसी चाहिए, तो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर। ये जो स्टडी हम लोग करते हैं उसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कहते हैं। तो अभी मोड्स देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के, देर आर बेसिक थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। एक लैंड मोड होता है, दूसरा वाटर मोड होता है, और तीसरा एयर मोड होता है। जैसे लैंड वे, वाटर वे एंड एयर वे होता है। लैंड वे में दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक रोडवे ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरा रेलवे ट्रांसपोर्ट होता है, रेलवे ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो क्या होते हैं वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे में क्या होता है जिसमें कार, बस, ट्रक, जो नॉन मोटर, और कार, बस, ट्रक और जो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स होते हैं, जैसे बाइसिकल हो या और जैसे जहाँ हम खुद मोटर से नहीं चलते, हमें कुछ चलाना पड़ता है, ऐसे जो व्हीकल्स होते वो जिसपे चलते हैं उसे हाईवेज कहते हैं। एंड रेलवेज, रेलवेज में क्या होता है, वो पैसेंजर ट्रेन होती है, बोगीज होती है, बोगीज होती है, उसका उसका जो रो ये होता है, उसका जो वे तो वो अलग होता है। तो व्हीकल भी, व्हीकल का टाइप भी अलग होता है, वो पैसेंजर भी ले जाते हैं, गुड्स भी ले ट्रांसफर कर सकते हैं। सभी वे से हम पैसेंजर और गुड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एयरवेज, एयरवेज मतलब आपका एयरक्राफ्ट रहेगा, हेलीकॉप्टर रहेगा, हवा से, में हवा में जा सकते हैं, हवा से, हवा, हवाई, हवाई वाहतुक उसे कहते हैं, तो हवाई वाहतुक होती है उसे। देन वाटरवेज, वाटरवेज क्या होता है, वो जिसमें शिप, बोट, वाटर के माध्यम से हम लोग ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर करते हैं, एक प्लेस से दूसरे जगह पे जाते हैं, उसे वाटर ट्रांसपोर्ट करें। देन उसका होता है, उसके बाद होता है, ये तो मटेरियल हो गया, और ये जो लिक्विड होते हैं, वो फ्लूइड होते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें पाइपलाइंस लगते हैं, बेल्ट लगते हैं, इलेवेटर लगते हैं, रोपवे लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूस फ्लो सिस्टम कहते हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बेस्ड ऑन द एक्सेसिबिलिटी, मोबिलिटी, कॉस्ट एंड टनेज। तो इन सब वे के हम लोग मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे। तो वो कौन सा अच्छा है ट्रांसपोर्ट, कौन सा वे ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, और क्यों नहीं है। अगर आप हमें कोई, हम किसी को बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, तो हमें रीजन बताने पड़ते क्यों अच्छा नहीं है। तो बेसिक पॉइंट्स है हमारे, किसके पॉइंट के आधार से हम लोग इस पे मेरिट डीमेरिट डिसाइड करेंगे। तो वो एक्सेसिबिलिटी है, मोबिलिटी है, कॉस्ट है उसका जाने जाने का, और टनेज कितना जा ले सकता है वो मटेरियल के, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद एयरवेज, एयरवेज क्या होता है, हवाई वाहतुक से जाते हैं। तो हवाई वाहतुक से हम लोग जब जाते हैं तो वो बहुत ही फास्टेस्ट वे होता है, ये बहुत ही फास्टेस्ट वे होता है, इट इज मोर कंफर्टेबल भी होता है, टाइम भी, टाइम की बचत होती है, हम जल्दी से एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन ये अनइकोनॉमिकल होता है, क्यों, क्योंकि उसका फेयर रेट ज़्यादा होता है, उसका टिकट रेट ज़्यादा होता है, तो उसका फेयर चार्जेस कॉस्ट ज़्यादा होती है ट्रैवलिंग की, क्योंकि उसके लिए जो चीज़ें लगती है, जो उसका ईंधन लगता है, जो उसके लिए, जो उसका रुकने के लिए, और ये करने रुकने के लिए, उसको रुकने के लिए और उसको उड़ाने के लिए, जो हो एयरपोर्ट वगैरह लगते हैं, तो उसका खर्चा बहुत होता है, तो इसलिए वो अनइकोनॉमिकल होता है। वाटरवे, वाटरवे होता है, ये तो बहुत स्लो स्लो होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है ना, जो स्लो होता है, तो यहाँ पे इट नीड्स मिनिमम एनर्जी टू हॉल यूनिट लोड थ्रू यूनिट डिस्टेंस।
यूनिट लोड के लिए यूनिट डिस्टेंस, जितना लोड होगा उतना एनर्जी उसको लगेगा मिनिमम। दिस कैन बी पॉसिबल बिटवीन पोर्ट्स ऑन द सी रूट्स और अलॉन्ग द रिवर, जहां पे पानी कंटिन्यूस फ्लो, वाटर का फ्लो है, स्टेडी फ्लो है, तो उसमें हम ये यूज कर सकते हैं। अभी इसमें क्या है, ये इकोनॉमिकल वे है, क्योंकि इसका ना तो कुछ खर्चा आता है ना कुछ आता है, तो उसके लिए यहाँ पे भी इकोनॉमिकल है, उसको ज्यादा खर्चा नहीं आता, उसका फेयर रेट थोड़ा कम होता है इसलिए। लेकिन उसमें एक डेंजर होता है, जब हम समुन्द्र में जो ये चला जहाज से जाते हैं या रिवर से जाते हैं, जो बीच में वो हो गए, तो वहाँ पे अगर हवा ज्यादा चल रही है, स्टॉर्म आ गया है एकदम से, तो उसको वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। और वहाँ पे भी जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, जो जो आपके फिश वगैरह होते हैं, शार्क फिश, जो बड़े ब्लू व्हेल बड़े होते हैं, वो भी आपको आपके जात का नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो एक्सीडेंट का डेंजर होता है। देन अपना रेलवे ट्रांसपोर्ट आ गया, रेलवे ट्रांसपोर्ट ऑन द ट्रांसपोर्टेशन अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक कुड बी एडवांटेजेस बाय रेलवेज बिटवीन द स्टेशन, बोथ फॉर पैसेंजर्स एंड गुड, पर्टिकुलरली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवे आपको अच्छा ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि यहाँ पे बहुत से ज़्यादा पर्सन्स, मोटे पैसेंजर्स और एंड बहुत ही ज़्यादा मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली और एक साथ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बोगीज होता है, ये जनरली जनरली उसकी जो लंबाई होती है रेलवे की, एक रेलवे की, तो उसमें नियर अबाउट आधा किलोमीटर तक हो जाती है, तो उसके लिए क्या है, टाइम की बचत भी होती है और इसमें आपको सेफ्टी भी मिलती है, और इसमें आपको यहाँ पे पैसेंजर का, और बहुत ज़्यादा इन क्वांटिटी क्वांटिटी बल्क क्वांटिटी अगर हमें ट्रांसपोर्ट करनी है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम रेलवे यूज करते। लेकिन इसमें क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रोड ट्रांसपोर्ट, दैट इज द रोड कुड सर्व एज अ फीडर सिस्टम। तो रेलवे स्टेशन रहते हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए रोड चाहिए, तो रोड ट्रांसपोर्ट अगर आपका अच्छा है तो ही रेलवे ट्रांसपोर्ट चल सकता है। देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू हॉल यूनिट लोड थ्रू यूनिट डिस्टेंस बाय द रेलवे इज ओनली 1/4 to 1/5 ऑफ द दैट रिक्वायर्ड बाय रोड। रोड पे जितनी एनर्जी लगती है उससे 1/4 और 1/5 एनर्जी में ये ट्रेन चल जाती है, देन सेफ्टी भी अच्छी होती है, लेकिन रोड नेटवर्क के आपका अच्छा चाहिए। तो उसके बाद हाईवेज, इट गिव्स द मैक्सिमम सर्विस टू वन एंड ऑल, इट गिव्स मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ट्रेवल विथ रेफरेंस टू रूट डायरेक्शन टाइम एंड स्पीड ऑफ ट्रेवल, इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। बाकी कौन सा भी ट्रांसपोर्ट है, एयरवेज हो, वाटरवेज हो, या तो आपका रेलवे हो, वो आपका डोर टू डोर सर्विस कभी नहीं दे सकता, तो उन सिर्फ ट्रैवलिंग करने के बाद आपको हाईवे यूज करने ही पड़ते, तो इसलिए हाईवे इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हियर, सो दिस इज जस्ट अ माई कंक्लूजन, माई ओपिनियन, अदर मोड्स आर डिपेंड ऑन इट, इट रिक्वायर, लेकिन आप कौन से भी मोड का यूज करो, लेकिन हाईवे आपको लगेंगे ही लगेंगे, हाईवे ट्रांसपोर्ट मोड आपको लगेगा ही लगेगा, ये आपको यूज ही करना पड़ेगा, तभी आप बाकी के मोड यूज कर सकते हो, ये इसका एडवांटेज है, वन एडवांटेज है इसका, देन अदर्स, अदर मोड्स आर डिपेंड ऑन इट, इट रिक्वायर स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर द गवर्नमेंट, मोटर व्हीकल्स आर चीपर देन द कैरियर्स लाइक रेल लोकोमोटिव एंड वैगन, रेल लोकोमोटिव और ये जो एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल होते हैं या वाटरवे के व्हीकल होते हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है और वो इजीली अवेलेबल नहीं होते, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट के लिए जो है, जो व्हीकल्स लगते हैं, कार, बस, अपना स्कूटर होता है, बाइक्स होता है, बाइसिकल होता है, वो हमें इजीली मिल जाता है, तो ये चीपर है, कॉस्ट में भी चीपर है, इट सेव द टाइम फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस शॉर्ट है तो रोड ही सबसे अच्छा रोड ट्रांसपोर्ट है, डिस्टेंस शॉर्ट है,
क्लियरली लिसन माई स्टेटमेंट, इट सेव द टाइम फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस शॉर्ट है वन डेस्टिनेशन, और ये सपोज ये डेस्टिनेशन ए है, डेस्टिनेशन बी है, उसका डिस्टेंस शॉर्ट है, तो वो उसके लिए हाईवे भी काफी है। उसमें आप ये नहीं जा सकते कि एयरपोर्ट और एयरवेज और ये वो यूज नहीं कर सकते। आप यूज कर सकते लेकिन वो कोई अन इकोनॉमिकल हो गया, कॉस्टली हो गया। देन हाई डिग्री ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे ये बहुत एक डेंजर है, ये उसका डिसएडवांटेज है रोड का। तो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूवमेंट, इसका मूवमेंट का फ्लेक्सिबिलिटी होता है ये हाईवे पे, तो उसके उसमें क्या होता है, इसलिए यहाँ पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगर पर्सन्स जो इलिटरेट है और जो रूल्स ओबे नहीं करते, वो ऐसे ही कैसे चला देते, तो उल्टी डायरेक्शन से चला देना व्हीकल अपनी, तो इसके वजह से एक्सीडेंट के चांसेस, ये जो अपना स्पीड होता है उस पर हम लोग कंट्रोल नहीं करते, तो उसके लिए ये हमें हाईवे डेंजरस है। हाईवे मीन्स रोड ट्रांसपोर्ट। देन स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे हाईवे इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, तो वो हम लोग देखेंगे। डेवलपमेंट प्लानिंग एंड लोकेशन, हाईवे डिजाइन ज्योमेट्री का है, स्ट्रक्चरल डिजाइन, ट्रैफिक परफॉर्मेंस एंड इट्स कंट्रोल, मटेरियल कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, इकोनॉमिक फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब इसका हाईवे इंजीनियरिंग का स्कोप है। अगर आपका हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में जानना है तो ये सब हमें सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करें रोल और इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने से क्या होता है, तो उसके लिए वो इसके इम्पैक्ट है और इसका रोल है, और इसकी वजह से हमें ये फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाती है किसी जगह पे, और सबकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाती है, देन सोशल डेवलपमेंट हो जाती है, देन स्पेशल डेवलपमेंट हो जाती है, देन कल्चरल डेवलपमेंट हो जाते हैं, और आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाते हैं। सब इकोनॉमिकल, सोशल, स्पेशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल, ये सब डेवलपमेंट्स होने के लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन इम्पोर्टेंट है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, रोड्स आर यूज्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ रोड व्हीकल्स लाइक पैसेंजर कार, बसेस, ट्रक, पेडल साइकिल एंड एनिमल रन व्हीकल। इट रिक्वायर्स रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर द गवर्नमेंट। इट ऑफर्स कंप्लीट फ्रीडम टू द रोड यूजर्स टू ट्रांसफर द व्हीकल फ्रॉम वन लेन टू अनादर एंड फ्रॉम वन रोड टू अनादर अकॉर्डिंग टू नीड एंड कन्वीनियंस। स्पीड एंड मूवमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द सर्विस सेवरिटी ऑफ एक्सीडेंट। अगर स्पीड और मूवमेंट, ये इसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ऑफर्स इट सेल्फ टू द होल कम्युनिटी अलाइक। तो इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा है। नाउ हम लोग देखेंगे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, पहले पहले रोड कैसे थे, ओल्डेस्ट मोड में रोड कैसे थे, और उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हो गया, तो वो लोग हम लोग अभी देखेंगे। तो ओल्डेस्ट मोड पहले होता था फुटपाथ होता है, मतलब एनिमल वेज, कार्ट पाथ, जैसे ही हम लोग चलने जाते थे पैदल, हमारे पैरों के निशान से रोड बनते जाते थे, और उसको फुटपाथ कहते थे। और एनिमल चले जाते थे एक ही जगह से, अगर वो गए तो वहाँ पे एक रोड चला होता जाता था, और कार्ट पाथ होता जाता था। एज सिविलाइजेशन इवॉल्व्ड, द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्रीज्ड। जैसे जैसे सिविलाइजेशन होता गया, मतलब लोगों को लगने लगा कि रोड ट्रांसपोर्टेशन में इंक्रीज नीड है, जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, हमने पहले देखा है, पहले स्लाइड में देखा, द स्पेशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तो उसके लिए और एनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑन ऑल अदर डेवलपमेंट। तो पहले रोड थे तो रोमन रोड, तो बिफोर 500 BC, बीसी मीन्स बिफोर क्रिश्चियन एरा, 500 BC, देर वेयर द बिल्ट स्ट्रेट रिगार्डलेस ऑफ ग्रेडियंट, उसमें ग्रेडियंट वगैरह कुछ नहीं था। देर वेयर बिल्ट आफ्टर द सॉफ्ट सॉइल वॉज रिमूव एंड हार्ड स्ट्रेटम वॉज रीच। थिकनेस वेरीज फ्रॉम 0.75 मीटर टू 1.2 मीटर रहता था थिकनेस। तो वो उसका क्रॉस सेक्शन है, रोमन रोड का ये बेसिक क्रॉस सेक्शन है। इसमें सेम डिटेल दिए है जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किए थे, तो आप ये देख सकते हैं। देन ये हमारे रोमन रोड है और ये आज के रोड है, मॉडर्न है, वो जो अभी हम लोग यूज करते हैं वो मॉडर्न हाईवे है, और ये रोमन रोड है, आप डिफरेंस देख सकते हो। और ये उसका क्रॉस सेक्शन है, रोमन रोड ऑफ यूरोप एंड हियर
ये उसका रेफरेंस है, ये स्पीकर का रेफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते, ये सीजे जस्टा खन्ना के बुक में ये सब दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। देन अदर ओल्डेस्ट रोड ट्रांसपोर्ट आर ट्रेसगेट ट्रांसपोर्ट, मेटकाप ट्रांस कंस्ट्रक्शन, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन एंड मैकेडम कंस्ट्रक्शन। तो ये क्या होते हैं हम लोग आगे आगे सीखेंगे। देन इंडियन रोड्स, तो इंडिया हैज ए लार्ज रोड नेटवर्क ऑफ ओवर 3.314 मिलियन किलोमीटर ऑफ रोडवेज, दैट इज 2.1 मिलियन माइल्स, मेकिंग इट थर्ड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। मतलब हमारे भारत में 2.1 मिलियन माइल्स इतना बड़ा रोड नेटवर्क है, ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड नेटवर्क है। तो एट 0.66 किलोमीटर ऑफ हाईवे पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, द डेंसिटी ऑफ इंडियाज हाईवे नेटवर्क इज हायर देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की पर स्क्वायर किलोमीटर कितना हाईवे होता है, तो 0.66 किलोमीटर, ये उसकी डेंसिटी है। तो वो डेंसिटी यूएस की 0.65 किलोमीटर है, एंड चाइना की 0.16 है, और ब्राजील की 0.20 है। देन हमारे इंडिया में जैसे रोड हाईवे का डेवलपमेंट हो गया, तो वहाँ पे डिफरेंट कमिटीज आ गई, डिफरेंट रूल्स आ गए, डिफरेंट रेगुलेशंस आ गए, डिफरेंट प्लान्स आ गए। तो वो कब कब आए और उन्होंने क्या क्या बताया और क्या क्या डिटेल है उनके, तो अब मैं बताऊंगा उसके। हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिया में हाईवे डेवलपमेंट कैसे हो गया। तो पहले जयकर कमिटी आई 1927 में, वो क्या है वो मैं बाद में बता दूंगा, एक अकेले एक सिंगल सिंगल स्लाइड में। देन सेंट्रल रोड फंड आ गया 1929 में, इंडियन रोड कांग्रेस IRC आ गया 1934 में, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI वो 1950 में फॉर्म हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट आ गया 1936 में, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया NHAI का फॉर्मुलेशन हो गया वो 1995 में, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान आ गया 1943 to 61, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान आ गया 1961 to 81। उसमें डेवलपमेंट होगा, मतलब हाईवे कैसे बनाना है, कौन से मटेरियल यूज करने, उसका प्लानिंग, उसका डिजाइनिंग, उसका यूज, उसके सर्विसेज जो प्रोवाइड करेंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज, कितने सर्विसेज, कितने इस ये तक क्या, मतलब सर्विसेज कितने तक प्रोवाइड करेंगे, वे सब उसमें प्लान में बता दिया है। हाईवे रिसर्च बोर्ड आ गया 1973 में, नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी आ गई 1978 में, और थर्ड 20 ईयर डेवलपमेंट रोड प्लान आ गया 1981 to 201। नाउ जयकर कमेटी, जयकर कमेटी क्या है, 1927 में पहली बार इंडिया में फॉर्म की गई, तो उसके चेयरमैन थे MR जयकर एंड उनके सहयोगी सदस्य थे कुछ। तो वो उन्होंने पहले ये क्या, गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉइंट किया कि आप रोड के बारे में, रोड डेवलपमेंट के बारे में और कंट्री के रोड डेवलपमेंट के बारे में आप एक रिपोर्ट तैयार करो और वो रिपोर्ट हमें सबमिट करो। तो उसमें क्या बनाया जयकर कमेटी ने, तो जो चेयरमैन थे उनका नाम दे दिया कमेटी को, तो जयकर कमेटी कहते उसे। रोड डेवलपमेंट इन द कंट्री शुड बी मेड एज अ नेशनल इंटरेस्ट सिंस लोकल गवर्नमेंट डू नॉट हैव फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कैपेसिटी फॉर द रोड डेवलपमेंट। मतलब रोड कौन सा भी रोड डेवलप करना है या ये करना है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंड उसको प्रोवाइड करेगा, वो ये करेगा। ये रोड नेटवर्क सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गए, मतलब देश जो चलाता है वो देश के हाथ में आ गए वो रोड नेटवर्क, क्योंकि लोकल जो गवर्नमेंट होते हैं उनके पास इतना बड़ा पैसा नहीं होता कि जो ये रोड टेक्निकली फिट और फाइनेंशियली फिट रोड बना सके। तो टेक्निकल कैपेसिटी और फाइनेंशियल कैपेसिटी ना होने की वजह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में ये रोड नेटवर्क गया। देन एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लेविड ऑन पेट्रोल फॉर रोड यूजर्स टू क्रिएट द रोड डेवलपमेंट फंड। अगर रोड डेवलपमेंट फंड करना है, रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो टैक्सेस के माध्यम से ही पैसा खड़ा करना पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, उसमें एक ये दिया था, उसमें सुझाव दिया था जयकर कमेटी ने कि आप पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगा दो जो रोड यूजर्स यूज करते हैं। तो उसके लिए रोड डेवलपमेंट
हो जाएगा वो, और उससे डेवलपमेंट जल्दी से हो जाएगी और आप ज्यादा सर्विसेज भी दे सकते हो। देन टू एस्टेब्लिश अ सेमी ऑफिशियल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन टू पुल टेक्निकल नॉलेज शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड टू एक्ट एज एन एडवाइजरी बॉडी। तो एडवाइजरी बॉडी मतलब टेक्निकल नॉलेज शेयर करने के लिए, और रोड कैसे बनाने हैं, क्या करना पड़ेगा, कौन से मटेरियल यूज करने पड़ेंगे, कौन रोड नेटवर्क करेगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगा, जो लोग रोड बनाएंगे उनका, तो उसके लिए एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाए। देन टू क्रिएट अ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन टू कैरी रिसर्च डेवलपमेंट वर्क एंड कंसल्टेशन। तो रिसर्च चाहिए, आगे आगे डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तो आगे आगे इसकी इसकी नीड है, ट्रांसपोर्टेशन की नीड है, तो आगे आगे डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए कंसल्ट करने के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाए। ये सब सुझाव जयकर कमेटी ने दिए थे। देन इसके बाद सेंट्रल रोड फंड आ गए। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 मार्च 1929। द कंज्यूमर्स ऑफ पेट्रोल वेर चार्ज एन एक्स्ट्रा लेवी ऑफ 2.60 पैसा पर लीटर ऑफ पेट्रोल टू बिल्ट अप दिस रोड नेटवर्क फंड। फ्रॉम दिस 20% ऑफ एनुअल रेवेन्यू यूज टू बी रिटर्न एज ए सेंट्रल रेवेन्यू फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क एक्सपेंसेस। और बचा हुआ 80% जो बचाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट टू यूज वेरियस स्टेट्स बेस्ड अपॉन एक्चुअल पेट्रोल कंजम्पशन ऑन रेवेन्यू कलेक्टेड। मतलब जो जो जितना रेवेन्यू कौन से स्टेट से कितना आता है, तो वो 80% वो स्टेट को दे दिया जाएगा। किस लिए? तो आप रोड डेवलप करो इसलिए। उसके बाद सेंट्रल रोड फंड, तो उसके डिटेल्स सीआरएफ एक्ट 2000 में दिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100% सेस ऑन पेट्रोल एज फॉलोज। 57.5% फॉर नेशनल हाईवेज, 30% फॉर स्टेट हाईवेज, 12.5% फॉर सेफ्टी वर्क्स ऑन रेल रोड क्रॉसिंग। तो उसका यूसेज कैसे करेंगे? तो ये मर्थ मर्थ क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये होता है। तो ये गवर्नमेंट का एक मंत्रालय होता है, उसमें ये डिसाइड किया था। देन 50% सेस ऑन डीजल फॉर रूरल रोड डेवलपमेंट। जो रूरल है, ग्रामीण आ गए, उनका भी आपको रोड डेवलपमेंट नेटवर्क करना पड़ेगा, वो उनको भी हमें हर एक हाईवे से जोड़ना पड़ेगा, हर एक सिटी को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए 50% ज़्यादा टैक्स डीजल पे लग जाएगा और वो रूरल रोड डेवलपमेंट में यूज हो जाएगा। देन इंडियन रोड कांग्रेस IRC 1934 में फॉर्म हो गया। दिस इज अ सेंट्रल सेमी ऑफिशियल बॉडी नोन एज IRC वॉज फॉर्म्ड इन 1934। इट इज सेमी ऑफिशियल बॉडी टू प्रोवाइड नेशनल फोरम फॉर रेगुलर पुलिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड आइडियाज ऑन मैटर्स रिलेटेड टू कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवेज। इट इज अ एक्टिव बॉडी कंट्रोलिंग द स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, रिकमेंडेशन ऑन मटेरियल, डिजाइन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस। तो रोड कंस्ट्रक्ट करने से पहले वो उसमें सर्वे करना पड़ेगा, फिर उसको कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं, कौन से उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, और मटेरियल का ये मटेरियल यूज करेंगे क्या, फिर उसका डिजाइन रोड का कैसे होगा, और रोड और ब्रिज कैसे लगेंगे, कहाँ कहाँ पे लगेंगे, तो उसका स्टडी के लिए ये IRC सेमी ऑफिशियल बॉडी फॉर्म हो गई 1934 में। इट पब्लिशेस जर्नल, रिसर्च पब्लिकेशन एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन गाइडलाइन। ये रिसर्च पब्लिकेशन और एक गाइडलाइन पब्लिश करेंगे, मेन इसका काम क्या है, तो गाइडलाइन पब्लिश करना, और उसके हिसाब से ही देश में कंस्ट्रक्शन, हाईवे का कंस्ट्रक्शन चलेगा। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोफेशन ओपिनियन ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द रोड एंड रोड ट्रांसपोर्ट। तो उसमें का मोटर व्हीकल एक्ट, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1939 टू रेगुलेट द, अगर हमने नेटवर्क ज्यादा बना दिया, रोड का नेटवर्क ज्यादा बना दिया, तो उसमें ज्यादा व्हीकल्स दौड़ेगी, तो उसके वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ट्रैफिक रेगुलेट करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज देयर विल बी अ चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। सो वो रेगुलेशन के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए ये मोटर व्हीकल एक्ट पास आ गया देश में। देन थ्री फेजेस प्राइमरीली कवर्ड आर कंट्रोल ऑफ ड्राइवर, व्हीकल ओनरशिप एंड व्हीकल ऑपरेशन। ये तीन फेजेस में
इसको कवर किया मोटर व्हीकल एक्ट को। तो कौन से, पहले कंट्रोल ऑफ ड्राइवर, व्हीकल ओनरशिप एंड व्हीकल ऑपरेशन। इट वॉज रिवाइज ऑन 1988, 1939 में आ गया और उसको रिवाइज किया 1988 में। देन सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में फॉर्म होगी। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो 1950 में फॉर्म होगी। इट इज एंगेज इन कैरिंग आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, डिजाइन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड रनवेज, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग ऑफ मेगा एंड मीडियम सिटीज, मैनेजमेंट ऑफ रोड्स इन डिफरेंट टेरेन। मतलब जो भी सब काम है डेवलपमेंट के, रोड रिलेटेड टू द हाईवेज और रिलेटेड टू द रोड्स, तो ये कमिटी देखेगी। देन इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्जिनल मटेरियल, यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन कंस्ट्रक्शन, लैंडस्लाइड कंट्रोल, ग्राउंड इम्प्रूवमेंट्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, रोड ट्रैफिक सेफ्टी, इसके लिए ये एजेंसी की प्रोविजन हो गई। देन इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो ये मॉर्थ अपना मॉर्थ आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो उनका काम क्या है, तो उनको प्लानिंग करना है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज इन द कंट्री। जो जो भी नेशनल हाईवेज है, तो मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, तो वो जोड़ने के लिए, एक स्टेट को दूसरे स्टेट में जोड़ने के लिए जो रोड्स होते हैं उसके, उसको नेशनल हाईवेज कहते हैं। पहले आपको रोड टाइप्स ऑफ रोड पहले बेसिक सिविल में हमने देखे, क्योंकि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR, ODR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, वाटरबोर्न मैकेडम रोड, विलेज रोड, तो ये डिफरेंट उसी के हिसाब से इसका प्लानिंग होता है। तो एक्सटेंड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट रोड एंड द रोड्स ऑफ इंटर स्टेट कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो ये मिनिस्ट्री हर एक नेशनल हाईवे जो है वो तो मैनेज सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन स्टेट के हाईवे होते हैं, स्टेट में इंटर स्टेट जो भी बड़े बड़े सिटीज होते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए जो रोड्स है उसे स्टेट हाईवे कहते हैं। तो वो स्टेट हाईवे के लिए वो स्टेट हाईवे को बनाने के लिए उसका जो सुपरविजन है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसको फंड कहाँ से मिलता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। और जो भी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है और जो इकोनॉमिक के लिए जरूरी रोड है जिन शहरों का जुड़ना, तो उसके लिए वो रोड भी बनाने के लिए फंड, जो फंड, मतलब मेरा ये आपको ये बताने का उद्देश्य है कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको फंड प्रोवाइड करती है। और वो फंड कैसे आता है, तो हमने देखा है वो टैक्सेस के माध्यम से फंड आता है। देन इट इवॉल्व स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर रोड्स एंड ब्रिजेज इन द कंट्री। तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के लिए हमने जो एजेंसी देखी, वो सब एजेंसी इस मिनिस्ट्री के अंडर होती है। इट स्टोर्स द डेटा रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज ऑन रोड्स एंड ब्रिजेस। तो ये सब वो CRRI और अदर जो भी एजेंसी होती है उसमें ये डेटा फीड होता है उनके पास, और वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में काम करती है। देन हाईवे रिसर्च बोर्ड, तो हाईवे रिसर्च बोर्ड की ये जो हाईवे रिसर्च बोर्ड है, एक कमिटी बोलो आप उसको, या आप उसको ये भी बोल सकते हो कि ये एजेंसी है, तो वो फॉर्म क्यों हुआ, ये फॉर्म क्यों आ गई। तो ये फॉर्म होने का उद्देश्य है, तो ये नीचे उद्देश्य, टू असर्टन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिसर्च रिकॉर्ड, ज्यादा रिसर्च कैरी आउट करने के लिए, टू कोरिलेट रिसर्च इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, जहां पे भी कहीं पे भी रिसर्च हो रहा है तो उनके साथ इसका कोरिलेशन क्या है, तो वो स्टडी करने के लिए हाईवे रिसर्च बोर्ड की स्थापना हो गई। टू कलेक्ट रिजल्ट ऑन रिसर्च, टू चैनलाइज कंसल्टेटिव सर्विसेज, टू कलेक्ट एंड कोरिलेशन सर्विसेज, तो ये सब उसके लिए हाईवे रिसर्च बोर्ड की स्थापना हो गई, फॉर्म हो गया। देन क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवेज, हाईवे का क्लासिफिकेशन क्या है, तो वो क्लासिफिकेशन अभी हम देखेंगे। डिपेंड्स ऑन वेदर, ऑल वेदर रोड, फेयर वेदर रोड। देन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैरेज वे, कैरेज वे मतलब साइड रोड, और हम उसे ये कहते हैं मेन रोड
अगर आपको नहीं ट्रैवल करना है तो उसके बाजू में एक रोड बनाया जाता है, तो उसे कैरेज वे कहते। देन पेव्ड रोड दैट इज WBM, दैट इज वाटर बॉर्न मैकेडम रोड, अनपेव्ड रोड दैट इज अर्थ रोड और ग्रेवल रोड, जन ओनली अर्थ रोड और ग्रेवल रोड जैसे ही होता है। देन डिपेंडिंग अपॉन द पेमेंट स्ट्रक्चर, सरफेस रोड, सरफेस रोड क्या होता है, बिटुमिनस और कंक्रीट पेमेंट होते हैं उसमें, और अनसरफेस रोड, सरफेस रोड उसमें बिटुमिनस और सीमेंट कंक्रीट रोड, तो उसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट रोड और रिजिड पेमेंट रोड ऐसे भी कह सकते हैं। बेस्ड ऑन द ट्रैफिक, हेवी ट्रैफिक रोड, मीडियम ट्रैफिक लोड एंड लाइट ट्रैफिक लोड रोड। देन बेस्ड ऑन द लोड और टनेज, क्लास वन क्लास टू रोड, क्लास ए क्लास बी रोड। ये जो सब स्टडी है, ये सब स्टडी जो एजेंसी रिसर्च एजेंसी हमने देखी वो स्टडी करती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ मार्थ को ये डेटा सप्लाई करती है, और फिर मार्थ उसे अप्लाई कर देता है। देन बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड फंक्शन, तो पे नागपुर रोड डेवलपमेंट प्लान, हर एक डेवलपमेंट रोड डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से हाईवे का टाइप्स दिए गए। तो नागपुर रोड डेवलपमेंट प्लान की वजह से हाईवे कैसे रोड को कैसे डिफ्रेंशिएट किया और क्लासिफाई किया, तो नेशनल हाईवेज NH, स्टेट हाईवेज SH, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ODR, विलेज रोड VR। तो यहाँ पे मैंने ये बताया, नेशनल हाईवेज जो होते हैं वो जस्ट आपको जस्ट हर एक स्टेट के कैपिटल्स होते हैं उनको जो कनेक्ट करते हैं उसे नेशनल हाईवे कहते हैं। फिर स्टेट हाईवे, स्टेट के अंदर जो इम्पोर्टेंट सिटीज होती है उनको जो कनेक्ट करते हैं उसे स्टेट हाईवे कहते हैं। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जो जो रोड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं हर एक राज्य में, स्टेट में, तो उससे कनेक्ट करने वाले रोड को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जो तालुक तहसील प्लेसेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करते हैं उनको ODR कहते हैं। और विलेज रोड, विलेज रोड मतलब जो भी कोई अपना विलेज होगा, गांव होगा, तो वो किसी को भी कनेक्ट करने के लिए, कौन से भी, वो हाईवे नेशनल हाईवे को कनेक्ट करने का हो या स्टेट हाईवे को कनेक्ट करना हो, MDR या ODR को कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए जो रोड होता है और गांव के अंदर जो रोड होते हैं उसको विलेज रोड कहते हैं। देन बेस्ड ऑन द मॉडिफाइड सिस्टम ऑफ हाईवेज, द क्लासिफिकेशन इज प्राइमरी एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज, देन सेकेंडरी स्टेट हाईवेज MDR, एंड टर्शियरी टाइप इज ODR एंड VR। नाउ एक्सप्रेसवे, तो वी विल सी इन डिटेल व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हैवी ट्रैफिक होता है, उसका स्पीड ज़्यादा होता है, लैंड विड्थ उसकी 90 मीटर होती है, फुल एक्सेस कंट्रोल होता है उसमें, कनेक्टेड मेजर पॉइंट ऑफ ट्रैफिक जनरेशन, नो स्लो मूविंग ट्रैफिक अलाउड, नो लोडिंग अनलोडिंग पार्किंग अलाउड। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे एज सीन फ्रॉम द खंडाला। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है, ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, तो उसके लिए ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है रोड की। तो नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवे अभी मैंने जो भी मैंने बताया वही इसमें लिखा हुआ है। देन नेशनल हाईवे सेम थिंग, देन नेशनल हाईवे में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब जो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर है मतलब ये चार सिटीज के, चार बड़े बड़े शहर इंडिया में, इंडिया के, उनको कनेक्ट करता है। तो ये 5846, 5846 किलोमीटर का है। कहाँ कहाँ से, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। तो ये रोड से हम आप देश में कहीं पे भी घूम सकते हैं, तो इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्यों, तो ये रोड की वजह से हम लोग पूरे इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हैं। तो इसमें NH2 आता है, तो दिल्ली कोलकाता 1453 किलोमीटर का है। NH 4, 7 एंड 46 आता है, वो चेन्नई से मुंबई है, 1290 किलोमीटर है। कोलकाता NH 5 एंड 6 है, कोलकाता टू चेन्नई, और 1684 मीटर है किलोमीटर, सॉरी 1684 किलोमीटर है। देन NH 8 आता है, और दिल्ली से मुंबई तक है, वो 1419 किलोमीटर है। तो जो इंडिया के बड़े बड़े शहर्स है, सिटीज है, तो उनको कनेक्ट करने का ये रोड है, और उसे ये नेटवर्क है, उसे गोल्डन क्वाड्रिलेटर कहते हैं। देन स्टेट हाईवे,
तो स्टेट हाईवेज क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज इन द कंट्री इज 1,37,119 किलोमीटर, और उसका स्पीड क्या होता है, 80 किलोमीटर पर आवर होता है। देन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, तो ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कितने किलोमीटर है इंडिया में, 4,470,000 किलोमीटर से। उसका स्पीड कितना है, 60 to 80 के बीच में। तो वो कहाँ से कनेक्ट होते हैं, ये जो पहले मैंने बताया था प्ले साइड में, वही मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। देन अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, सेम थिंग यहाँ पे मैंने दे दिया है। देन अर्बन रोड क्लासिफिकेशन, अर्बन रोड और सिटी, अर्बन मीन्स सिटी, सिटी के रोड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो कैसे होते हैं सिटी के अंदर के रोड कैसे होते हैं, तो पहले आर्टेरियल रोड होते हैं, सब आर्टेरियल रोड होते हैं, कलेक्टर रोड होते हैं, लोकल स्ट्रीट होता है, कुल डी सैक रोड होता है, पाथवे एंड ड्राइववे, ये भी रोड के सिस्टम से, ये सिस्टम से रोड के, हम उसको टाइप नहीं बोल सकते, इन सिस्टम से रोड के। तो आर्टेरियल रोड कहते हैं, नो फ्रंटेज एक्सेस, नो स्टैंडिंग व्हीकल, वेरी लिटल क्रॉस ट्रैफिक, डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, लैंड विड्थ 50 to 60 मीटर, डिवाइडेड रोड्स विथ फुल और पार्शियल पार्किंग, पेडेस्ट्रियन अलाउड टू वॉक ओनली एट इंटरसेक्शन। देन सब आर्टेरियल रोड, बस स्टॉप बट नो स्टैंडिंग व्हीकल, लेस मोबिलिटी देन आर्टेरियल, स्पेसिंग फॉर सीबीडी इज 0.5 किलोमीटर, डिजाइन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, लैंड विड्थ 30 to 40 मीटर। कलेक्टर स्ट्रीट, कलेक्टर स्ट्रीट एंड डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक फ्रॉम लोकल स्ट्रीट एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू आर्टेरियल रोड लोकेटेड इन रेजिडेंशियल, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, फुल एक्सेस अलाउड, पार्किंग परमिटेड, डिजाइन स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होता है, लैंड विड्थ उसके लिए 20 to 30 मीटर होते हैं। यहाँ पे हर एक सिस्टम में और हर एक टाइप के रोड में सिर्फ उसका डिजाइन स्पीड और उसकी लैंड विड्थ कम होती जाती है, इसके ऊपर ये हम लोग ये डिसाइड करते कि ये लोकल स्ट्रीट है या आर्टेरियल रोड है या सब आर्टेरियल रोड है। तो लोकल स्ट्रीट में क्या होता है, डिजाइन स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होती है, लैंड विड्थ 10 to 20 मीटर होती है, प्राइमरी एक्सेस टू रेसिडेंस, बिजनेस और अदर अबटिंग प्रॉपर्टी, लेस वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एट स्लो स्पीड, अनरिस्ट्रिक्टेड पार्किंग, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट विथ फ्रंटेज एक्सेस, पार्कड व्हीकल, बस स्टॉप्स एंड नो वेटिंग रिस्ट्रिक्शंस। देन कल डी सैक रोड सिस्टम, कल डी सैक रोड सिस्टम इज अ डेड एंड स्ट्रीट विथ ओनली वन एंट्री, एक्सेस फॉर एंट्री एंड एग्जिट, रिकमेंडेड इन रेजिडेंशियल एरिया, इट इज कल डी सैक। तो एक ही एंट्रेंस, एक ही ये होता है, ये इसको हम करते हैं कल डी सैक रोड सिस्टम। देन ड्राइववे, ड्राइववे इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट रोड फॉर लोकल एक्सेस टू वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर एंड इज ओन्ड एंड मेंटेन बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप। तो हम एक कॉलोनी में सपोज हम कर रहे थे, तो कॉलोनी के रोड होते, सिर्फ कॉलोनी ही यूज करेगी, जैसे फ्लैट सिस्टम होता है, तो उसमें जो इंटरनल रोड थे, इंटरनल रोड होते, तो वो रोड उसको कहते हैं ड्राइववे। ड्राइववे आर कॉमनली यूज्ड एज पाथ टू प्राइवेट गैरेजेस, फ्यूल स्टेशंस, हाउसेस। देन रोड पैटर्न, रोड पैटर्न कैसे होते हैं, रोड के पैटर्न कैसे होते हैं, तो वो अभी हम लोग देखेंगे रोड के पैटर्न कैसे होते हैं। अभी हमने रोड का सिस्टम देखा, रोड के टाइप देखे, अभी रोड के पैटर्न देखेंगे। तो वो पैटर्न कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, रेडियल और स्टार ब्लॉक पैटर्न, रेडियल और स्टार सर्कुलर पैटर्न, रेडियल और स्टार ग्रिड पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न एंड मिनिमम ट्रैवल पैटर्न, मतलब मिनिमम ट्रैवलिंग में हमें ज़्यादा डिस्टेंस पार करें। तो ये नाउ फर्स्ट 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान, वो 1943 में आया, 63 में आया, तो उसको क्या कहते हैं, उसको नागपुर रोड डेवलपमेंट प्लान कहते हैं, नागपुर रोड डेवलपमेंट प्लान। द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ इंजीनियर हेल्ड एट नागपुर इन 1943 फाइनलाइज द फर्स्ट 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया कॉल्ड नागपुर, क्योंकि ये जो मीटिंग है और कॉन्फ्रेंस है रोड डेवलपमेंट प्लानिंग की, वो नागपुर में हो गई, तो नागपुर में हो गई इसलिए उसे नागपुर डेवलपमेंट रोड प्लान कहते हैं। और जिस उसमें ये डिसाइड किया गया कि कितने किलोमीटर के रोड हम लोग बनाएंगे, उसका डेंसिटी क्या रहेगा रोड की, तो रोड के लिए मटेरियल क्या यूज़ करेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन पैसे फंडिंग प्रोवाइड करेगा, तो ये इसमें डिसाइड किया गया। तो ये फर्स्ट 20 ईयर और अगले 20 से 20 साल के लिए यही यूज हम यूज करेंगे।
तो इससे इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो उसमें क्या किया गया, रोड नेटवर्क वाज क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ एनएच नेशनल हाईवे वाज असाइन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। टारगेट रोड लेंथ इज 5,32,700 किलोमीटर एट द एंड ऑफ 1961। मतलब जब तक ये 20 साल होंगे, वो 20 साल में हम लोग 5,32,700 किलोमीटर का रोड नेटवर्क बनाएंगे, ये डिसाइड किया गया, ये उसके एम थे। देन डेंसिटी ऑफ अबाउट 16 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ पर 100 स्क्वायर मीटर किलोमीटर एरिया। अगर एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर का है तो उसमें 16 किलोमीटर का रोड लेंथ होनी चाहिए, तो ये उसकी डेंसिटी है। देन द फॉर्मूले वेयर बेस्ड ऑन द स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड नेटवर्क। एन अलाउंस ऑफ 15% इज प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 20 ईयर। मतलब हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो वो डिसाइड करने के, वो अगले 20 साल तक हम यही फॉलो करेंगे। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन हम प्रिपेयर करेंगे, तो उसे नागपुर रोड डेवलपमेंट प्लान कहते हैं, वो फर्स्ट रोड डेवलपमेंट प्लान होता है। देन दूसरा रोड डेवलपमेंट प्लान 1961 में आ गया। इट वॉज इनिशिएटेड बाय द IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कमिटी है, तो उसने ये फाइनलाइज किया इन 1959 में, फाइनलाइज किया एट द मीटिंग ऑफ चीफ इंजीनियर्स, और इट इज नोन एज बॉम्बे रोड प्लान। ये सेकंड रोड प्लान है, ये इसे कहते हैं। पहला रोड प्लान था नागपुर रोड डेवलपमेंट प्लान, और ये दूसरा प्लान सेकंड 20 साल, मतलब 1961 से आगे 1981 तक जो भी हम रोड में डेवलपमेंट करेंगे, कितने रोड डेवलपमेंट करेंगे, उसके डेंसिटी कितनी होगी, तो वो डिसाइड करने के लिए बॉम्बे रोड डेवलपमेंट प्लान IRC ने फाइनलाइज की, इनिशिएट किया। तो ये डेवलपमेंट प्लान 2 साल पहले ही कर दिया, मतलब पहला रोड नागपुर रोड डेवलपमेंट प्लान टोटल 18 साल के लिए यूज किया। उसके बाद क्योंकि डेवलपमेंट की नीड थी, हमें जरूरत थी डेवलपमेंट की कंट्री को, इसलिए ये जल्दी कर लिया। देन इट द टारगेट रोड लेंथ वाज ऑलमोस्ट डबल ऑफ नागपुर रोड प्लान। तो जो पहले 1943 से 1963 में हम इतना रोड करेंगे ऐसा हमने डिसाइड किया था वो कमिटी ने, तो वो सेकंड 20 ईयर्स रोड प्लान में, मतलब 1981 तक हमारे पास 10,57,33,330 किलोमीटर रोड नेटवर्क होना चाहिए, और डेंसिटी 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एंड एन आउटले ऑफ 5,200 करोड़। मतलब इसका बजट इतना है, और ये डेंसिटी कितनी रहेगी, मतलब 32 किलोमीटर रोड की लेंथ रहेगी फॉर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। देन एवरी टाउन विथ पॉपुलेशन अबाउट 2,000 इन प्लान एंड अबाउट 1,000 इन सेमी हिल एरिया एंड अबव 500 इन हिल एरिया शुड बी कनेक्टेड टू मेटल रोड। तो ये सब मेटल रोड करेंगे, मतलब जो भी विलेज रोड थे, वो WBM थे, वाटर बाउंड लेकर, उनको पक्के रोड से, पक्के रोड नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे। ये सब उसमें सेकंड 20 ईयर्स रोड प्लान में डिसाइड किया गया। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम एनी प्लेस इन अ सेमी डेवलप एरिया वुड बी 12.8 किलोमीटर फ्रॉम मेटल रोड एंड 4.8 किलोमीटर एनी रोड। तो ये मेटल रोड से एनी प्लेस का डिस्टेंस 12.8 किलोमीटर ही होना चाहिए, उसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन एक्सप्रेस वे हैव ऑल्सो बिन कंसिडर्ड इन दिस प्लान एंड 1,600 किलोमीटर्स ऑफ लेंथ हैज बिन इंक्लूडेड इन द प्रपोज टारगेटेड। देन लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक इज कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ रोड सिस्टम। देन 5% आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड एनफोर्समेंट फैक्टर। ना उसके बाद थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान आ गया। तो थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान कब आ गया, 1981 में। 1981 में सेकंड रोड डेवलपमेंट प्लान वैनिश हो गया, तो उसके लिए थर्ड डेवलपमेंट प्लान हमें लाना पड़ा। तो थर्ड डेवलपमेंट प्लान में तो वो कहाँ से कहाँ तक, 1981 से 2001 तक आया। द फ्यूचर रोड डेवलपमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द रिवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ रोड सिस्टम। जो भी रिवाइज क्लासिफिकेशन रोड सिस्टम है, जो हमने देखी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी रोड सिस्टम, तो उसके हिसाब से रोड नेटवर्क बनने चाहिए, रोड बनने चाहिए, थर्ड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान में
डिसाइड किया गया, देन डेवलप द रूरल इकोनॉमी एंड स्मॉल टाउन्स विथ ऑल इसेंशियल फीचर्स, पॉपुलेशन ओवर 500 शुड बी कनेक्टेड बाई ऑल वेदर रोड, डेंसिटी इंक्रीजेस टू 1282 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब पहले प्लान में कितनी थी, 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर, सेकंड 20 ईयर डेवलपमेंट प्लान रोड प्लान में 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर थी, और यहाँ पे थर्ड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान में कितनी हो गई, 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में एरिया, 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है तो उसमें रोड लेंथ कितने होने चाहिए, तो 82 किलोमीटर होनी चाहिए। द नेशनल हाईवे नेटवर्क शुड बी एक्सपांडेड टू फॉर्म अ स्क्वायर ग्रिड ऑफ 100 किलोमीटर साइड सो दैट नो पार्ट ऑफ द कंट्री इज मोर देन 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द नेशनल हाईवे। मतलब ज्यादा से ज्यादा कंट्री का पार्ट नेशनल हाईवे से जोड़ा गया, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कितना रहेगा किसी भी प्लेस से नेशनल हाईवे का, तो वो 50 किलोमीटर रहेगा, वो उसमें डिसाइड किया गया। देन एक्सप्रेस वे शुड बी कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग मेजर ट्रैफिक कॉरिडोर, अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो उसमें एक्सप्रेस वे कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने एज पर फ्यूचर रिवाइज क्लासिफिकेशन सिस्टम ये हमने देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो उसके हिसाब से एक्सप्रेस वे भी बनेंगे। ऑल टाउन्स एंड विलेजेस विद पॉपुलेशन ओवर 1500 शुड बी कनेक्टेड बाय एमडीआर, एंड विलेजेस विद पॉपुलेशन 1000 और 1500 दे कनेक्टेड बाय ओडीआर, दैट इज अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, दैट इज इट मीन्स विलेज रोड वीआर गेट वैनिशेस, विलेज हर वीआर को एवरी वीआर को हम लोग किसमें कंसिडर किसमें टर्न करेंगे, तो उसको ओडीआर में चेंज करेंगे, तो ओडीआर में चेंज, ओडीआर के कैरेक्टरिस्टिक जो है उसमें चेंज करेंगे, उसमें ये डेवलपमेंट हो गई। उसमें रोड शुड बी बिल्ट इन लेस इंडस्ट्रियलाइज एरिया टू अट्रैक्ट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, जहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है वहां पे भी रोड कंस्ट्रक्ट करने हैं तो इंडस्ट्री वहां पे आ जाएगी और उसमें उस एरिया की डेवलपमेंट हो जाएगी, तो ये उसका मकसद था। द एग्जिस्टिंग रोड शुड बी इम्प्रूव बाई रेक्टिफाइंग द डिफेक्ट इन द रोड ज्योमेट्री, वाइडनिंग, राइडिंग क्वालिटी एंड स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग पेवमेंट टू सेव व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट एंड दस टू कंजर्व द एनर्जी। देन हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वेज, तो हाईवे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट ये होता है कि हम लोग जो भी पेपर पे है वो हमें एक्चुअल ग्राउंड में लेके आना पड़ता है। द पोजिशन और लेआउट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द अलाइनमेंट, मतलब जो पेपर में जो सेंटर लाइन दी है रोड की वो हम ग्राउंड पे ले आते कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उसे कहते हैं अलाइनमेंट। इट इंक्लूड स्ट्रेट पाथ, हॉरिजॉन्टल डेविएशन, कर्व्स, तो अलाइनमेंट में बहुत ज्यादा रोड हमेशा स्ट्रेट ही नहीं रहते, कभी स्ट्रेट रहते हैं, कभी हॉरिजॉन्टल डेविएशन रहता है, कभी वर्टिकल डेविएशन रहता है, कर्व्स रहते हैं। ड्यू टू इम्प्रॉपर अलाइनमेंट द डिसएडवांटेज आर इंक्रीजेज इन कंस्ट्रक्शन, इंक्रीजेज इन मेंटेनेंस कॉस्ट, इंक्रीजेज इन व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट, इंक्रीजेज इन एक्सीडेंट कॉस्ट, ये सब अगर आपकी अलाइनमेंट इम्प्रॉपर है, अलाइनमेंट रोड की अच्छी नहीं है, बराबर नहीं है, तो आपको ये सब डीमेरिट्स और ये सब नुकसान हो जाता है, उसमें व्हीकल का मेंटेनेंस कॉस्ट जाता है, रोड का मेंटेनेंस कॉस्ट जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत बढ़ जाता है और एक्सीडेंट ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। देन वंस द रोड इज अलाइन एंड कंस्ट्रक्टेड इट इज नॉट इजी टू चेंज द अलाइनमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ एडजॉइनिंग लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्टली स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी कॉस्टली है, लैंड भी चाहिए, तो गवर्नमेंट को लैंड लेनी पड़ती है, तो लैंड लेने के लिए उसका मुआवजा देना पड़ता है, जिसकी लैंड रहेगी उसको मुआवजा देना पड़ता है, तो वो भी रेट हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए पहले ही कंस्ट्रक्शन में रोड की अलाइनमेंट अच्छे से होनी चाहिए, अच्छे से करते। देन ये देखो ये रोड है, ये सेंटर लाइन है, ये रोड की सेंटर लाइन है, टू वे रोड है,
ये वन वे रोड नेटवर्क है, वन वे रोड नेटवर्क है, ये डिवाइडर है रोड का। देन ये कर्व है, रोड में कर्व है, ये भी कर्व है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल कर्व है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन हम जो बोलते हैं। अभी हमने ये देखा था यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिविएशन, वर्टिकल डिविएशन, कर्व, देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाईवे एलिमेंट। हाईवे एलिमेंट के रिक्वायरमेंट क्या है, हाईवे एलिमेंट कैसी होनी चाहिए, ये शॉर्ट होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए और इकोनॉमिकल होनी चाहिए। शॉर्ट मतलब डिजायरेबल टू हैव शॉर्ट अलाइनमेंट बिटवीन टू टर्मिनल स्टेशन। इजी होनी, इजी टू कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन उसका कम होना चाहिए, और सेफ जर्नी होनी चाहिए, स्लोप ज़्यादा हो, स्लोप नहीं होना चाहिए ज़्यादा, कटिंग नहीं होना, जितना भी मटेरियल हम लोग कट करेंगे तो उतना ही फिलिंग आना चाहिए, तो कटिंग फिलिंग आना चाहिए, तो सेफ जर्नी, ज़्यादा स्लोप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या कर ज़्यादा ज़्यादा ये नहीं होने चाहिए। देन इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट शुड बी मिनिमम, ये सब कॉस्ट कम आनी चाहिए, इसलिए ये रिक्वायरमेंट है अलाइनमेंट के। तो अलाइनमेंट शॉर्ट, इजी, सेफ एंड इकोनॉमिकल। देन फैक्टर्स कंट्रोलिंग अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कौन कंट्रोल करता है, तो अलाइनमेंट कंट्रोल कौन करता है, तो अलाइनमेंट कंट्रोल ऑब्लिगेटरी पॉइंट, ट्रैफिक, ज्योमेट्रिक डिजाइन, इकोनॉमिक्स एंड अदर कंसिडरेशन, एडिशनल केयर इन हिल रोड्स, क्या हिल रोड में एडिशनल सेफ्टी कंसिडरेशन क्या लेने चाहिए, एडिशनल केयर क्या लेने चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ड्रेनेज चाहिए, ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड्स ऑफ हिल रोड देखने चाहिए, रेजिस्टिंग लेंथ देखनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्लिगेटरी फैक्टर्स क्या होते हैं, ऑब्लिगेटरी फैक्टर्स मीन्स पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट इज टू पास, एग्जाम्पल ब्रिज साइट, इंटरमीडिएट टाउन, माउंटेन पास, रिलीजियस प्लेसेस, कॉस्टली स्ट्रक्चर, अनसुटेबल लैंड, ट्रैफिक, ट्रैफिक ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे शुड बी कैरिड आउट इन द एरिया एंड द डिजायर लाइन्स आर ड्रॉन शोइंग द ट्रेंड ऑफ ट्रैफिक फ्लो। तो सिटी के बीच में से अगर कोई रोड निकल गया तो वहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए सिटी के बाहर से अगर रोड नेटवर्क है, बाईपास किसी रोड को, अभी हम लोग बाईपास कहते हैं, बाईपास तो अलग किसी रोड से ले लिया, सिटी के बाहर से रोड ले लिया, हाईवे तो या नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, तो ये डिसाइड करने के लिए हमें रोड, ये फैक्टर रोड अलाइनमेंट पे ये करता है, रोड अलाइनमेंट डिसाइड करता है। देन ज्योमेट्रिक डिजाइन, अवॉइड शार्प कर्व, अवॉइड रोड इंटरसेक्शन नियर बेंड, अगर बेंड रोड है तो वहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, इंटरसेक्शन जनरली आपके एक दूसरे रोड, एक दूसरे को रोड, एक दूसरा रोड एक दूसरे को कनेक्ट हो रहे हैं तो उसे इंटरसेक्शन कहते हैं, तो वो इंटरसेक्शन कैसे होने चाहिए, तो स्ट्रेट रोड में ही होने चाहिए, जो बेंड है कर्व है तो उसमें इंटरसेक्शन नहीं होने चाहिए। देन डिजाइन फैक्टर्स सच एज ग्रेडियंट, मतलब उसका स्लोप कैसा होना चाहिए रोड का, रेडियस ऑफ कर्व, साइड डिस्टेंस, साइड ऑल्सो गवर्न द फाइनल अलाइनमेंट ऑफ द हाईवे, और साइड डिस्टेंस क्या होता है वो हम लोग अगले इसमें ज्योमेट्रिक डिजाइन के पार्ट में देखेंगे, हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन इन डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे। अवॉइड सडन चेंजेस इन साइड डिस्टेंस स्पेशली नियर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग में साइड डिस्टेंस में चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो ज्योमेट्रिक डिजाइन इन डिटेल हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। देन इकोनॉमी, अलाइनमेंट फाइनलाइज बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट, सेम थिंग, अदर कंसिडरेशन ले, ड्रेनेज चाहिए, पॉलिटिकल कंसिडरेशन चाहिए, पॉलिटिकल इशू होते हैं कई कई स्टेट के, देन सरफेस वाटर लेवल रहता है, हाई फ्लड लेवल रहता है, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन रहते हैं, जब अगर ब्रिज है तो ब्रिज की हाइट कितनी होनी चाहिए, हाई फ्लड लेवल निकालनी पड़ेगी हमें, तो उसके हिसाब से आपकी अलाइनमेंट फिक्स होनी चाहिए। देन उसके बाद टोपोग्राफिकल कंट्रोल, टोपोग्राफिकल कंट्रोल फ्लड प्रोन एरिया, सेम थिंग आई हैव टोल्ड इन अर्लियर स्लाइड, वेयर पॉसिबल शुड अवॉइड पासिंग थ्रू मर्सी एंड लो लाइंग लैंड विथ पुअर ड्रेनेज, फ्लड प्रोन एरियाज, अनस्टेबल हिली फीचर्स, तो ये अगर हमने नहीं अलर्ट किया, टोपोग्राफिकल चेंज कंट्रोल पॉइंट नहीं देखे, तो एक्सीडेंट के चांसेस है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ये कंसिडर हो जाएंगे, ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते।
तो हम सिर्फ वहां से रोड नहीं बनाएंगे, वहां पे हम दूसरी जगह पे रोड बनाएंगे। तो यही हम लोग कर सकते हैं। तो मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शनल फीचर, डीप कटिंग शुड बी अवॉइडेड, अर्थ वर्क इज टू बी बैलेंस्ड, कंट्रीज फॉर फिलिंग एंड एक्सकेवेशन शुड बी बैलेंस्ड, अलाइनमेंट शुड बी प्रिफरेबली बी थ्रू बेटर सॉइल एरिया टू मिनिमाइज पेवमेंट थिकनेस। अगर पेवमेंट थिकनेस कम करना है तो हमें अलाइनमेंट अच्छी चाहिए, तो सॉइल का जो हार्ड स्ट्रेटा है वो अच्छा चाहिए, सॉइल का बेस है, जो रोड का बेस है वो अच्छा चाहिए, दैट इज द ग्रेड सब ग्रेड कहते हैं, वो अच्छा चाहिए। देन लोकेशन में नियर सोर्सेज ऑफ एम्बैंकमेंट एंड पेवमेंट मटेरियल, मतलब पेवमेंट मटेरियल जहाँ से इजीली अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो वहाँ पे ही रोड कंस्ट्रक्शन, मतलब रोड की साइड होनी चाहिए, वहाँ पे अलाइनमेंट रोड की होनी चाहिए। देन स्टेबिलिटी है, देन ड्रेनेज है, देन ज्योमेटिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ हिली एरिया है, देन रेजिस्टिंग लेंथ है। देन जैसे मैंने कहा अभी हमें रोड अलाइनमेंट करनी है, तो रोड कंस्ट्रक्ट करने बिफोर अलाइनमेंट, हम अलाइनमेंट फाइनल करने से पहले हमें उस एरिया का सर्वे करना पड़ता है। तो उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे होते हैं। तो बिफोर हाइवे एलिमेंट इज फाइनलाइज्ड इन हाईवे प्रोजेक्ट, द इंजीनियरिंग सर्वे आर टू बी कैरिड आउट, द वेरियस स्टेजेस ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे। ये इंजीनियरिंग सर्वे थे, मतलब ये मटेरियल क्या है, कैसे है मटेरियल, वो जो हमने अलाइनमेंट कंट्रोलिंग फैक्टर देखे, वो फैक्टर्स के बारे में हमें स्टडी करनी पड़ती है, तो उसके इंजीनियरिंग सर्वे कहते हैं। तो सर्वे के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो वो स्टेजेस क्या है वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। पहले होता है मैप स्टडी, जो ऑफिस है ऑफिस में बैठ के हम लोग मैप देखेंगे, देन रिकनेसेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड फाइनल लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे। फाइनल लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे होने के बाद ही हम लोग अलाइनमेंट एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैप सर्वे, मैप सर्वे जैसे मैंने बताया, जो हम लोग मैप में देखेंगे ऑफिस में बैठ के, टॉपोग्राफिकल डिटेल्ड देखेंगे, और उसमें हम लोग वैली पॉन्ड्स लेक अवॉइड करेंगे, बेंड अवॉइडिंग बेंड ऑफ रिवर, रिवर का बेंड रहेगा तो अवॉइड करेंगे, इफ रोड हैज टू क्रॉस अ रो ऑफ हिल्स पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग थ्रू माउंटेन पास। तो मैप स्टडी गिव्स अ रफ गाइडेंस ऑफ द रूट टू बी फर्दर सर्वेड इन द फील्ड। देन रिकनेसेंस सर्वे, रिकनेसेंस सर्वे एक ऐसा टाइप का सर्वे होता है, इट कंफर्म द फीचर इंडिकेटेड ऑन मैप। जब मैप पे डिटेल दिए हम लोग इंडिकेट करते हैं कहाँ कहाँ पे, तो टू एग्जामिन द जनरल कैरेक्टर ऑफ द एरिया इन फील्ड फॉर डिसाइडिंग द मोस्ट फिजिबल रूट्स फॉर डिटेल्ड स्टडीज, सर्वे पार्टी में इंस्पेक्ट अलॉन्ग द प्रपोज अल्टरनेटिव रूट ऑफ द मैप इन द फील्ड विथ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट लाइक एबनी लेवल, टेंजेंट क्लिनोमीटर, बैरोमीटर। जो ज़्यादा डिटेल सर्वे नहीं होता, लेकिन जो भी हमने अनुमान लगाया है मैप से वो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, तो उसको रिकनेसेंस सर्वे कहते हैं। देन प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव रूट, ये भी एक पार्ट होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यू अल्टरनेट अलाइनमेंट मे बी चूजन फॉर फर्दर स्टडी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ऑब्जर्व एज अ साइट, मतलब एक्चुअल साइट पे जाके जो भी मैप पे हमने देखा है वो हम लोग चेक करते हैं, ये इसको रिकनेसेंस सर्वे करते कहते हैं। देन प्रिलिमिनरी सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे टू सर्वे द वेरियस अल्टरनेटिव अलाइनमेंट प्रपोज आफ्टर द रिकनेसेंस सर्वे एंड टू कलेक्ट ऑल द नेसेसरी फिजिकल इंफॉर्मेशन एंड डिटेल ऑफ टोपोग्राफी, ड्रेनेज एंड सॉइल, टू कंपेयर द डिफरेंट प्रपोजल्स इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड अलाइनमेंट, मतलब जो भी हमने रिकनेसेंस सर्वे में स्टडी किया है, जो भी उसका रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट के माध्यम से जो गुड अच्छा और बेस्ट सुटेबल अलाइनमेंट है वो हम लोग फाइनलाइज करके प्रपोज करते हैं। देर आर प्रिलिमिनरी सर्वे के कुछ मेथड्स है, उसमें कन्वेंशनल मेथड है, सर्वे पार्टी कैरीज आउट सर्वे यूजिंग द रिक्वायर्ड फील्ड इक्विपमेंट, टेकिंग मेजरमेंट, कलेक्टिंग टोपोग्राफिकल टोपोग्राफिकल एंड अदर डेटा एंड कैरिंग आउट सॉइल सर्वे,
मतलब सर्वे का जो भी इंस्ट्रूमेंट होते वो इंस्ट्रूमेंट लेके सर्वे पार्टी सर्वे कैरी आउट करती है। देन लॉन्जिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल, जो डिफरेंट टाइप के टेरेन होते हैं, प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन, हिली टेरेन, तो उसमें क्रॉस सेक्शन लॉन्जिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल चेक करते हैं। क्योंकि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से हम लोग सर्वे करेंगे तो ये हम लोग क्रॉस सेक्शन और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन चेक कर सकते हैं। देन अदर स्टडी क्या होता है, ड्रेनेज का कर सकते हैं, हाइड्रोलॉजी सर्वे कर सकते हैं, सॉइल सर्वे कर सकते हैं, ट्रैफिक सर्वे एंड मटेरियल सर्वे करेंगे। और दूसरा मेथड क्या होता है उसमें, मॉडर्न रैपिड अप्रोच बाय एरियल सर्वे। एरियल सर्वे होता है और उसको फोटोग्राफिकल सर्वे कहते हैं। एरियल सर्वे उसमें टोपोग्राफिकल डिटेल एंड मैप इंक्लूडिंग जियोलॉजी डिटेल्स ऑफ सॉइल एंड जियोलॉजी, एरियल फोटोग्राफ्स लेते हैं साइट के और उसके हिसाब से स्टडी कर लेते हैं। देन फाइनलाइज द बेस्ट अलाइनमेंट फॉर ऑल कंसिडरेशन बाय कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव रूट्स। देन फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे, फाइनल लोकेशन है हमारा बेसिक सर्वे हो गया, रिकनेसेंस सर्वे हो गया, देन प्रिलिमिनरी सर्वे हो गया, और उसके बाद हम लोग फाइनल लोकेशन डिसाइड कर देते हैं। तो उसमें द अलाइनमेंट फाइनलाइज एट द डिजाइन ऑफिस आफ्टर द प्रिलिमिनरी सर्वे इज टू बी फर्स्ट लोकेटेड ऑन द फील्ड बाय एस्टेब्लिशिंग द सेंटर लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे कि आप फाइनल लोकेशन में और डिटेल सर्वे में, तो जो भी सेंटर लाइन और अलाइनमेंट हमने फाइनल किए वो हम लोग एक्चुअल ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो लोकेशन सर्वे क्या होता है, ट्रांसफरिंग द अलाइनमेंट टू द ग्राउंड, दिस इज डन बाय ट्रांजिट थियोडोलाइट। ये इंस्ट्रूमेंट है ट्रांजिट थियोडोलाइट, ये इंस्ट्रूमेंट है। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट की मदद से हम लोग रोड अलाइनमेंट ट्रांसफर करेंगे कहाँ से, पेपर से ग्राउंड पे। देन मेजर एंड माइनर कंट्रोल पॉइंट्स आर एस्टेब्लिश्ड ऑन द ग्राउंड एंड सेंटर पेग्स आर ड्रिवन चेकिंग द ज्योमेट्रिक डिजाइन रिक्वायरमेंट। मतलब सेंटर लाइन मार्क करेंगे, देन सेंटर लाइन स्टैक्स आर ड्रिवन एट सुटेबल इंटरवल से 50 मीटर इंटरवल इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन एंड 20 मीटर इन हिली टेरेन। मतलब हर 20 मीटर पे और हर 50 मीटर पे हम लोग एक सेंटर लाइन स्टैक ड्रिवन करेंगे। तो ये 50 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो टैक का, वो इंटरवल है, और वो इंटरवल 50 मीटर का कहाँ पे होगा, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में। तो हमने प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, ये ट्रोपोग्राफिकल डिटेल है, प्लेन टेरेन है, रोलिंग टेरेन है, उसमें 50 मीटर रहेगा सेंटर लाइन स्टैक का डिस्टेंस, और जो इंटरवल है वो 20 मीटर का रहेगा कहाँ पे, हिली टेरेन में। अगर टेरेन हिली है तो उसमें 20 मीटर का इंटरवल रहेगा दो सेंटर लाइन स्टैक में। देन इसके बाद डिटेल्ड सर्वे, देन टेम्पररी बेंच मार्क्स आर फिक्स, बेंच मार्क फिक्स करेंगे। तो सर्वे करने के लिए हमने सर्वे में सीखा है इंजीनियरिंग इन सर्विंग सर्विंग सब्जेक्ट हमें सीखा है, तो हम लोग टेम्पररी बेंच मार्क ले लेंगे फिक्स एट अबाउट 250 मीटर एंड ऑल ड्रेनेज अंडर पास स्ट्रक्चर। अर्थवर्क कैलकुलेशन एंड ड्रेनेज डिटेल्स आर टू बी वर्कआउट फ्रॉम द लेवल बुक, लेवल बुक में एंट्री करेंगे, दैट इज द रीडिंग ले लेंगे हम लोग, दैट इज सर्वेइंग के बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड रीडिंग। देन क्रॉस सेक्शनल लेवर्स आर टेकन एट इंटरवल्स ऑफ 50 to 100 मीटर इन प्लेन टेरेन, 50 to 75 मीटर इन रोलिंग टेरेन, 50 मीटर इन बिल्टअप एरिया, 20 मीटर इन हिली टेरेन। देन डिटेल सॉइल सर्वेस भी कैरिड आउट। देन CBR, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट, ये सॉइल की टेस्ट है। तो हम ये पेवमेंट डिजाइन करने के लिए कैरी आउट कर दिए। द डेटा ड्यूरिंग डिटेल्ड सर्वे शुड बी एलेबोरेट एंड कंप्लीट फॉर द प्रिपेयरिंग डिटेल प्लान डिजाइन एंड एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो डिटेल प्लान मतलब हमें रोड बनाना ही बाकी रहेगा, इसके बाद एग्जीक्यूशन पार्टी बाकी रहेगा, ये सर्वे होने का, इसे फाइनल लोकेशन सर्वे कहते हैं। देन ड्राइंग रिपोर्ट, जो देर आर डिफरेंट ड्राइंग हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तो डिफरेंट ड्राइंग प्रिपेयर प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास की प्लान होगा, इंडेक्स प्लान। बिल्डिंग ड्राइंग में हमने सीखा है की प्लान, की मैप क्या होता है, इंडेक्स मैप, देन प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान, डिटेल्ड प्लान, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन,
डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन, लैंड एक्विजिशन प्लान, ड्राइंग अप क्रॉस ड्रेनेज वर्क, सीडी वर्क दैट इज क्रॉस ड्रेनेज वर्क एंड अदर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, ड्राइंग अप रोड इंटरसेक्शन, लैंड प्लान शोइंग क्वेरीज, ये सब प्रिपेयर करने पड़े। देन न्यू हाईवे प्रोजेक्ट के लिए हमें ये सब लगता है, ये सब ड्राइंग हमें लगते, दैट इज मैप स्टडी रहेगा, रिकनेसेंस सर्वे रहेगा, प्रिलिमिनरी सर्वे, लोकेशन एंड फाइनल अलाइनमेंट, डिटेल सर्वे, देन मटेरियल सर्वे, ज्योमेट्रिक एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन, अर्थ वर्क, पेमेंट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंट्रोल। सो ये सब हमें, ये तो फुल टॉपिक था रिलेटेड टू द हाईवे डिजाइन, दैट इज द बेसिक बेसिक लेक्चर है हमारा हाईवे प्लानिंग। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन, ये लेक्चर नेक्स्ट रहेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपकी कुछ समस्या है ये लेक्चर के बारे में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और ये मैं यहाँ पे मुझे कमेंट भी कर सकते हो। अगर ये वीडियोस लेक्चर्स आपको अच्छे लगेंगे तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मुझे, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब बढ़ेंगे और आप वीडियो देख लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, ये ऑडियो वीडियो लेक्चर है, ये आपको बहुत ही उपयोगी है और आप उपयुक्त है, ये बहुत ही उपयुक्त है आपको, इट इज यूजफुल फॉर अस, यू विल गेट अ नॉलेज एंड इट इज अ फ्रीली अवेलेबल, इट्स अ फ्रीली अवेलेबल। सो एंजॉय द सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, फुल वीडियो पहले से मैं बोल देता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज डू शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।